हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्की फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला कोटेड सपोजिटरीज, दूसरा है डिस्पोजेबल मॉल्स। और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स एंड सपोजिटरीज। और प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें और इस वीडियो में तभी आएँ, क्योंकि उसमें 3 सपोजिटरीज हो चुकी हैं और इसमें 2 सपोजिटरीज होनी है। तो जितना हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोटेड सपोजिटरीज और डिस्पोजेबल माउंट्स। ठीक हो गया, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोटेड सपोजिटरीज। अब कोटेड सपोजिटरीज होती क्या है? कोटेड सपोजिटरीज वो सपोजिटरीज होती हैं जिसमें हम कोटिंग करते हैं। अब हम कोटिंग कैसे करेंगे, कोटिंग कैसे करेंगे बताते हैं आपको। कोटिंग क्या करेंगे हम, ऐसे कोटिंग करने के लिए हम सपोजिटरीज को ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें पहले से ही ऐसे कोटिंग मटेरियल यूज़ होंगे। ठीक है, कोटिंग मटेरियल होंगे जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और एसिटाइल अल्कोहल। तो अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा जो ट्रिक है वैसे याद करने के लिए, सपोजिटरीज वो सपोजिटरीज जो कोटेड की जा रही हैं उसको क्या करेंगे हम, पानी में डुबाएंगे, पानी के सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कंटेन कर रहा होगा, कोटेड मटेरियल कंटेन कर रहा होगा। अब कोटेड मटेरियल का क्या होते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और एसिटाइल अल्कोहल। ठीक हो गया, तो कोटेड सपोजिटरीज वो सपोजिटरीज होती हैं जिसमें हम कोटिंग करते हैं। कैसे कोटिंग करते हैं, उनको ऐसे सॉल्यूशन में डुबाते हैं जिसमें जो कंटेन करता है कोटेड मटेरियल। और कोटेड मटेरियल क्या क्या हो गया, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, एसिटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक हो गया, तो अभी बनती कैसे कोटेड सपोजिटरीज। ठीक है, अब कोटेड सपोजिटरीज जो होती है ना, पहले क्या करेंगे, सारी जो प्रोसेस होती है सब ऐसी होती है। उसमें क्या करते हैं हम, जो सपोजिटरीज है उसको क्या करेंगे, जिसको कोटेड करना है हमको, उसको डिप करेंगे ऐसे सॉल्यूशन में जो कोटेड मटेरियल, जिसमें कोटेड मटेरियल हो, जैसे पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल और एसिटाइल अल्कोहल। ठीक हो गया, पहली प्रोसेस में यही है, सपोजिटरीज को तब तक डिप करेंगे सॉल्यूशन में। तो पहले में यही करेंगे हम। ठीक हो गया, अब हम उसको जितनी हमको कोटिंग की ज़रूरत है तब तक ही हम उसको क्या करेंगे, उसमें डिप करेंगे सपोजिटरीज को। ठीक हो गया, तो दूसरा स्टेप यही है, जब तक डिजायर्ड थिकनेस ऑब्टेंड ना हो, मीन जितना हमें कोटिंग करनी है उतनी कोटिंग ना हो तब तक उसको डुबाते रहो। और जैसे जैसे हमको कोटिंग का जितना हमको चाहिए था उतना मिल गया तो उसको हटा दो और उसको सुखा दो। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस बस इतनी है, सपोजिटरीज को सबसे पहले डिप करना है किसमें, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें क्या है कोटेड मटेरियल है। और कोटेड मटेरियल जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और एसिटाइल अल्कोहल। ठीक हो गया, अब हमने इतना डिप कर दिया, तो हमें डिप कितनी देर तक करना है, जब तक हमको उतनी थिकनेस मीन्स उतनी मोटाई ना मिले जितनी हमको ज़रूरत है, या कोटिंग ना मिले उतनी जितनी हमको ज़रूरत है। ठीक हो गया, जैसे हमको पता लग गया कि हाँ हमें जितनी ज़रूरत है उतनी बन गई, तो उसको हम हटा देंगे, किनारे रख देंगे और उसको सुखा देंगे बस। और बन गई हमारी क्या, कोटेड सपोजिटरीज। तो अब आते हैं हम, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक हो गया, कोटिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, पहली बात तो ये कंट्रोल करता है डिसइंटीग्रेशन रेट को। ठीक हो गया, सबसे पहला जो है इसका फ़ायदा है वो है आपका डिसइंटीग्रेशन रेट को क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज। और जब से हमको सपोजिटरीज को स्टोरेज करते हैं ना, उस टाइम पर ये प्रोटेक्शन करता है, मीन्स उसकी मदद करता है, उसको ख़राब नहीं होने देता, उसके शेप और साइज को बिल्कुल बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहने देता है। ठीक हो गया, उसको बिल्कुल ख़राब नहीं करता है, तो कोटेड सपोजिटरीज ये होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्पोजेबल माउल्स। अब डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल मींस जिनका हम एक बार इस्तेमाल कर देंगे फिर फेंक देंगे। और माउल्स मींस क्या होते हैं, पीछे वाली वीडियोस में हमने सब में पढ़ा होगा, 2 वीडियोस में तो मैंने माउल्स का मतलब बताया है आपको। माउल्स मतलब होता है खांचे। खांचे मतलब जैसे ये देखिए, ये आपको फोटोज दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये खांचे हैं। अब देखो ये बिल्कुल 2-4 कोन की शेप में खांचे हैं ना, बिल्कुल जैसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कोई भी सपोजिटरी मटेरियल है जिसको हमें बनानी है, डिस्पोजेबल माउल्स बनानी है, जो सपोजिटरीज होंगी, सपोजिटरी मटेरियल होगा, उसको इसमें हम पिघला के डाल देंगे और इसको जमाने रख देंगे। ठीक हो गया, तो अब ये इधर पे अच्छे से पढ़ते हैं, विस्तार रूप में पढ़ते हैं कहने का मतलब। ठीक हो गया, अब है डिस्पोजेबल माउल्ट। डिस्पोजेबल माउल्ट्स प्रिपेयर्ड बाय प्लास्टिक मटेरियल और टिन फॉइल्स। मीन जो डिस्पोजेबल माउल्ट्स होते हैं ना, वो प्लास्टिक मटेरियल और टिन फॉइल से बनते हैं। ठीक हो गया, अब ये बनते कैसे हैं। ठीक है, अभी हमने तो पढ़ लिया कि किससे बनते हैं, लेकिन अभी बनाने की प्रोसेस क्या होती है। अब प्रोसेस में क्या करते हैं, देखो
सपोज्री मटेरियल पॉर्ड इन टू डिस्पोजेबल मॉल्ड। अब ये डिस्पोजेबल मॉल्ड जो थे, अभी मैं आपको मैंने इसकी पिक आपको दिखाई थी ना, वो किस तरह के दिखने के थे, इस तरह से दिखने के थे। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो ये जो ये प्रोसेस है इसको हम इसमें समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोसेस को इधर कर देंगे, ठीक। अभी डिस्पोजेबल मॉल्ड है, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सपोज्री मटेरियल है ना, जो ये सपोज्री मटेरियल है, इसको हम इसमें भर देंगे। कैसे, किस फॉर्म में भरेंगे, लिक्विड फॉर्म में भरेंगे, मीन्स पिघला के भरेंगे। तो पिघला के इसमें हम भर देंगे, ठीक है। अब भर देंगे, भरने के बाद क्या करेंगे, इसको ठंडा करने रख देंगे। ठंडा करने रख दिया, ठंडा करने के बाद क्या होगा, देखो अब जैसे तुम बर्फ़ बनाते हो, ठीक है, बर्फ़ का एक बर्फ़ की सिट्टी होगी, ठीक है, इसमें तुम बर्फ़ बनाते हो, और इसको बर्फ़ को तुमने ठंडा करने के रख दिया, तो क्या होती है, हमारी बर्फ़ इस शेप में बन जाती है बर्फ़ है, और किनारे से हल्का हल्का पानी की जो बूंदे होती है वो किनारे रह जाते हैं, वो भी जम जाता है। तो इसको जो बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस मास या एक्सेस मटेरियल, मीन्स जो एक्स्ट्रा है तुम्हारे उसमें। तो वही चीज़ इनके साथ भी होता है, जब हम इसमें सपोज चीज़ को क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए रख देते हैं ना, तो क्या होता है, किनारे से थोड़ा बहुत मास चिपक जाता है, मीन्स जो बचा हुआ मास होगा किनारे में ना, वो जो होता है उसमें चिपक जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस मास या एक्स्ट्रा मटेरियल जो बच गया उसमें किनारे में। तो हमको क्या चाहिए थी, सपोज चीज़ चाहिए थी करेक्ट शेप और साइज की चाहिए थी। तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो किनारा है ना, ये जो एक्सेस मटेरियल है, इसको बिल्कुल काट के, बिल्कुल हटा उटू करके बिल्कुल बढ़िया शेप में रख देंगे। तो अब काटने के लिए हमको कुछ औजार चाहिए होंगे, औजार क्या हैं, शार्प नाइफ और शार्प ब्लेड। तो शार्प नाइफ और शार्प ब्लेड के इस्तेमाल से इसको ट्रिम्ड ऑफ कर देंगे, मीन्स पूरे अच्छे से काट कूट के अच्छी शेप देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो मॉल्ड्स हैं हमारे, जो खांचे हैं, क्योंकि खांचे के अंदर होंगे, तो जो खांचे हैं उनको सील कर देंगे हम, मीन्स अच्छे से उसको सील कर देंगे, फिर उनको पैक करेंगे किसमें, कार्टून्स में, कार्टून्स में उसको पैक कर देंगे, ठीक हो गया। और अब देखो इसके क्या फ़ायदे हैं, और क्या मतलब मेनली क्या फ़ायदे हो गए इसको, जब हमने डिस्पोजेबल मॉल्ड्स बनाए तो क्या हो गया। देखो सबसे पहले है, जो सबसे पहला फ़ायदा है, शेप कैन चेंज एट लोएस्ट कॉस्ट। अब देखो, अब हॉस्पिटल में क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ठीक हो गया, अब पेशेंट बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, और एडल्ट भी हो सकता है, ठीक है, जवान भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब हमको क्या करेंगे, अगर हमारे पास डिस्पोजल मॉल्ड है तो हम उसकी शेप आसानी से चेंज कर सकते हैं बहुत कम दामों में, ठीक हो गया। तो यही है, शेप कैन चेंज एट लोएस्ट कॉस्ट, ठीक हो गया। चीपर इन रेट, मीन्स बहुत सस्ती होती हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है, और सपोज्री से बहुत सस्ती होती हैं, ठीक। और स्टोरेज के दौरान सपोज्रीज मेल्ट मॉल्ड मेल्ट हो जाती हैं मॉल्ड्स में, और ये कन्वर्टेड इनटू सपोज्री आफ्टर कूलिंग। तो अब एक बहुत बड़ा जो इसमें फ़ायदा है वो क्या है, अब देखो जो सपोज्रीज होती है ना, उसको रखे रखे क्या होता है, जो अब ये हैं किसके अंदर, खांचों के अंदर हैं सपोज्री, तो क्या होगा, ये पिघल किसके, पिघल जाती हैं रूम, मतलब ऐसे उसको अगर स्टोरेज में रखोगे तो ये पिघल जाती है, पिघलेंगी किसके अंदर, खांचों के अंदर पिघलेंगी, मॉल्स के अंदर पिघलेंगी। तो क्या करेंगे, जब हम उनको बाहर निकाल के कूल करेंगे, मीन्स ठंडा करेंगे, तो क्या करेंगे, वापस सपोज्री बन जाएंगी। एक फ़ायदा इसका ये है। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में, और जो आप कल की वीडियो में पढ़ेंगे वो है आपकी सपोज्रीज बेसिस क्या होते हैं, आइडल सपोज्री बेस, आइडल सपोज्री बेस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, और एक क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। सो थैंक यू।